तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेजर डीसी वोल्टेज यूजिंग मल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर का यूज करके हमें डीसी वोल्ट कैसे मेजर किए जाते हैं, ये हमें देखना है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको हाउ टू मेजर एसी वोल्टेज पूरी तरह से बता दिया है, वैसे दोस्तों आज हमें सीखना है कि कैसे मेजर किया जाता है डीसी वोल्ट। सो दोस्तों अलग अलग टाइप के डीसी सोर्स होते हैं, जैसे होती है ये डीसी बैटरी। ये जो डीसी बैटरी दोस्तों, इसे कैसा मेजर कर पाओगे, आप आपके घर के बाइक का बैटरी भी इससे इजीली चेक कर सकते हो सही या नहीं है, उसमें वोल्टेज सही या नहीं, ये आपको देखने के लिए मेरा वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर बने रहे, आपको सारा बता दूंगा। इसके साथ में आपको बता दूंगा मैं आपको ये जो SMPS जो होते हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ऐसे SMPS होते हैं, ये जो SMPS होते हैं, ये SMPS को आपको इधर से 230 वोल्ट एसी देने के बाद में है, आपको यहाँ से 12 वोल्ट डीसी मिलना शुरू हो जाएगा। सो इसे कैसा चेक करना है, ऐसे 24 वोल्ट डीसी के भी जो हमारे SMPS है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसे कैसा चेक करना है, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। साथ में ये छोटे छोटे बैटरी होते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जरूर बता दूंगा, बने रहे अंत तक। मैं आपको सारा टोटली टेक्निकल नॉलेज देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, और आपने सिर्फ पूरी अंत तक देखना है, आपका काम है, तो ये आप 100% टेक्निकल पर्सन बन सकते हो। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली इसका डीसी वोल्टेज मेजरमेंट्स का रियल यूज एंड प्रैक्टिकल। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं हम हाउ टू मेजर डीसी होल्ड। सो दोस्तों अलग अलग टाइप के डीसी सोर्सेस मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी ये बैटरी का भी मैं आपको डीसी वोल्ट मेजर करके दिखाऊंगा, और देन नो SMPS का भी आपको मैं मेजर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो बैटरी है, ये बैटरी का आप यहाँ पे होल्ड पढ़ सकते हो, सो नो यहाँ पे ये 12 वोल्ट 8 AH यानी 12 वोल्ट 8 AH मीन्स एम्पेयर पर होते दोस्तों। सो ये 12 वोल्ट 8 एम्पेयर पर आवर की बैटरी मेरे हाथ में अभी है। इसका यहाँ पे सारा इन्होंने चार्जिंग करंट वगैरह सारा दिया हुआ है। अभी हमें इसका वोल्ट मेजर करने में हम एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम इसका वाला भी वोल्ट मेजर करते हैं दोस्तों। सो इसका वोल्ट मेजर करने के लिए मेरे यहाँ पे ये मल्टीमीटर दिया हुआ है। सो दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर किस तरह से इसका वाला वोल्ट मेजर कर पाएगा हम देखते हैं। हमें लेना होगा रेंज इसका वाला 20 वोल्ट DC पे। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टाइप की रेंज है, ये 600 वोल्ट DC है, या पे आपका 200 वोल्ट DC मेजर कर सकते हो 20 वोल्ट, या फिर 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट पे तो ये आपका नहीं मेजर कर पाएगा दोस्तों। सो दैट्स व्हाई मुझे इसे लेना होगा 20 वोल्ट पे। मैं इसको भी 20 वोल्ट पे मेरे पॉइंटर को शिफ्ट करता हूँ, और अभी मेजर करता हूँ मेरा बैटरी का वोल्टेज। मेरे ये जो प्रोब्स है उसके लिए ये मेरा प्रोब मेरा वी यानी होल्ड के रेंज पे लगना चाहिए, और ये कॉमन पे लगना चाहिए जो मैंने सही तरीके से लगा लिए है। अभी मैं इसको मेजर करता हूँ दोस्तों, ये मेरा पॉजिटिव प्रोब है, ये मेरा निगेटिव प्रोब है। बैटरी का वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा है मल्टीमीटर में, यहाँ पे आपको बैटरी का वोल्टेज शो हो रहा होगा, आप देखिएगा। सो दोस्तों ये जो बैटरी सोर्स है, ये नियर अबाउट 12.60 वोल्ट DC का है, ये हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है। सो इस तरीके से मैंने इसको वाला बैटरी को आपको मेजर करके दिखाया, हाउ टू मेजर डीसी होल्ड, ये मेरा सीरीज चल रहा है आपके लिए। सो दोस्तों अभी मैं ये वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैं आगे ले रहा हूँ दूसरी बैटरी, ये बैटरी मैं अभी साइड में इसको रख देता हूँ दोस्तों, और अभी मैं ये एक बैटरी ले रहा हूँ दोस्तों जो कि है 9 वोल्ट की। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैटरी का वोल्टेज, देखो दोस्तों यहाँ पे 9 वोल्ट का ये बैटरी है। इसका ये 9 वोल्ट की क्या, हम इसे देख लेते हैं, इसके प्लस और माइनस यहाँ पे दिए होते हैं, इधर के साइड में इसमें माइनस दिया हुआ है, इधर के साइड में इसमें प्लस दिया हुआ है, वो अभी इसे देखते हैं। प्लस को आपको प्लस ही लगाना होगा दोस्तों, और माइनस को माइनस ही लगाना होगा। ये भी इसमें 9.9 वोल्ट मौजूद है। अगर मैं इसको मेरे प्रोब्स चेंज करता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस का साइन आ जाएगा, यानी माइनस वोल्ट यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन ये हमें प्रोब सही कर लेना है, ये प्लस का प्रोब है माइनस का प्रोब है। इस तरीके से हम इसका भी डीसी वोल्ट मेजर कर चुके हैं। और दोस्तों मेरे पास में अभी ये दूसरा भी बैटरी है जो भी 9 वोल्ट का है, इसमें 9 वोल्ट मौजूद है क्या देखते हैं, यानी ये बैटरी सही है, 9 वोल्ट ये दे रही है, ये आप आपके प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्ट्स में लगा सकते हो। अभी इसको भी मैं 9 वोल्ट के लिए टेस्ट लेता हूँ, नो दोस्तों ये बैटरी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको बता रही है 5.5 वोल्ट, यानी गलत बैटरी है, इसके ऊपर आपका कोई भी 9 वोल्ट का प्रोडक्ट्स नहीं चलेगा, और ये बैटरी अभी डिस्चार्ज हो चुकी है, आप इसको रिचार्ज करवा सकते हो, लेकिन रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, इसके लिए आपको इसको डस्टबिन में फेंकना ही काफ़ी अच्छा होगा। इसको मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ।
सो दोस्तों मेजर कर दिया अभी एस एम पी एस का वोल्टेज। ये एस एम पी एस भी 12 होल्ड का है, जैसे अभी मैंने आपको बैटरी दिखाया था जो 12 होल्ड का था, वैसे भी ये 12 होल्ड का एस एम पी एस भी है। आप इसको भी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लगा होता है। सो दोस्तों अभी इसका हमें देखना होगा वोल्टेज, क्या हमें सही वोल्टेज दे रहा है या नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे भी मेरा जो मैंने लगाया हुआ है ये 20 होल्ड डीसीपी रेंज रखा हुआ है, ये मेरा माइनस एस एम पी एस का है, मेरा प्लस है। ये अभी हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं दे रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एसी नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका एसी चेक, क्योंकि मैंने बटन ही नहीं ऑपरेट किया दोस्तों, तो एसी कैसे गया आएगा। अभी इसके लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिला, मैं बटन ऑपरेट कर देता हूँ तो और पहले इसको एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एस एम पी एस को देखना होगा। यहाँ पे मैंने नॉब लेके आया हूँ, एसी टेस्टिंग मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको दिखाई दिया है। कहीं भी एस एम पी एस को सबसे पहले आपको एसी चेक करना होगा क्योंकि एसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको एसी मिल रहा है, यानी इसको अभी आप 242 होल्ड यानी मेरा बोर्ड 240 होल्ड एसी मिल रहा है, हमें 12 होल्ड डीसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये डीसी के टर्मिनल उसके बाजू में लगे हुए हैं अभी मुझे, लेकिन मेरा नॉब डीसी पे लेना होगा। अगर मैं ये टेस्टिंग एसी पे लेता हूँ तो गलत आएगा। देखो दोस्तों 26 दिखा रहा है, ये गलत है, इसके लिए मुझे मेरा नॉब डीसी पे लेके जाना होगा। मैं अभी मेरा नॉब 20 होल्ड डीसी पे लेके गया हूँ और मुझे यहाँ पे 12.35 होल्ड, जी हाँ दोस्तों एस एम पी एस अच्छा है ये मुझे दिखा रहा है। अभी मैं आपको और एक दूसरा एस एम पी एस भी डीसी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी ये दूसरा एस एम पी एस मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये नियरा बोर्ड हमारा 24 होल्ड डीसी का एस एम पी एस है, ये देखो यहाँ पे आपको दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 24 होल्ड डीसी का 3 एम्पीयर का एस एम पी एस है। अभी ये 24 होल्ड डीसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमें देखना होगा। तो चलो लेते हैं इसका टेस्ट। अभी दोस्तों मेरा नॉब लेकिन यहाँ पे 20 होल्ड पे है, देखो मेरा पॉइंटर आप अगर आप देख रहे हो तो मेरा पॉइंटर 20 होल्ड डीसी पे है। अभी 24 होल्ड डीसी पे आप इसको नहीं मेजर कर पाओगे, देखते मेजर करते आता है या नहीं। यहाँ पे इधर इसको माइनस है, यहाँ पे इसको प्लस है। अभी पहले इसको एसी मिल रहा है क्या वो देख लेता हूँ। इस समय इसको सबसे पहले 230 होल्ड यानी 240 होल्ड पे मिल रहे हैं, 230 भी मिलेगी तो भी ये काम करेगा। नियरा बोर्ड 110 होल्ड से लेकर 270 होल्ड तक काम करते हैं दोस्तों, ऐसे टाइप के एस एम पी एस होते हैं। अभी देखते हैं इसका आउटपुट। आउटपुट के लिए मुझे वापस से अभी मैंने 20 पे रखा, देखो दोस्तों 20 पे ये नहीं मेजर हो पाएगा क्योंकि ये 24 होल्ड डीसी का है और मैं ले रहा हूँ इसका टेस्ट। अभी हमें थोड़ा सा कम दिखा रहा है, देखते हैं इसको थोड़ा। सो चलो लेते हैं इसका टेस्ट। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे इसने 24 होल्ड डीसी दिखाना चाहिए, फिर 20 के रेंज के ऊपर आप 24 होल्ड डीसी नहीं मेजर कर सकते, इसके लिए मुझे इसे लेना होगा 200 के पॉइंटर के ऊपर। ओ ये एस एम पी एस सिर्फ 17.8 होल्ड दिखा रहा है दोस्तों, यानी 24 होल्ड डीसी प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, यानी एस एम पी एस अच्छा नहीं है। लेकिन ये एस एम पी एस में एक अच्छी यहाँ पे आपको एक प्रीसेट दिया होता है, ये प्रीसेट अगर आप एडजस्ट कर दे हो तो आपका वोल्टेज नियर अबाउट और 24 होल्ड तक आपको पहुँचा देगा। तो उसके लिए थोड़ा ट्राई करना होगा, मैं वो भी यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया है, देखते हैं वापस से इसको मेजर करते हैं इसका वोल्टेज सही है या नहीं। ओ इसका वोल्टेज उतना ही है, यानी नहीं हो पा रहा है, यानी ये 24 वोल्ट एप्लीकेशन के लिए नहीं चलेगा। दोस्तों पीएलसी वगैरह सिस्टम में 24 वोल्ट डीसी के पावर सप्लाई लगते हैं, तो ये एस एम पी एस सही साबित नहीं होगा। इसे हमें डस्टबिन में डाल के नए एस एम पी एस में आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एक 24 वोल्ट डीसी आउटपुट का एस एम पी एस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे हम चेक करते हैं ये सही है या नहीं, ये अच्छी कंपनी का है दोस्तों, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो देखते हैं इसे। तो चलो मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ और इसे देखता हूँ ये हमें 24 वोल्ट देता है क्या नहीं। सो मेरा ये जो प्रोब है ये यहाँ पर पॉजिटिव प्रोब मुझे लगाना होगा इस एस एम पी एस के लिए, और ये मेरा नेगेटिव प्रोब मैं यहाँ पर लगाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसने हमें सही 24 वोल्ट डीसी आउटपुट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे सही 24 वोल्ट डीसी मुझे मिल चुका है। यस दिस वन इज अ वेरी गुड
SMPS फॉर PLC सिस्टम्स, और जो सिस्टम में भी 24 वोल्ट लगने वाला है वहाँ पे ये चल सकता है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको जो भी SMPS है या बैटरी है चेक करके ही आपके इक्विपमेंट में या बड़े बड़े पैनल्स में लगाना चाहिए, नहीं तो वो गलत साबित होगी। सो दोस्तों बने रहे मेरे साथ में ऐसे टेक्निकल और मजेदार वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस तरह से मेरे इस वीडियो में आपने ये पूरी तरह से सीख लिया है कि किस तरीके से डीसी वोल्टेज मेजरमेंट किया जाता है मल्टीमीटर के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये मल्टीमीटर के माध्यम से आपको मैंने डीसी वोल्टेज मेजर करना पूरी तरह से अब इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया है। बने रहिए मेरे साथ में, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। बाय बाय।